अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास सैमसंग का फ्रिज डबल डोर। आज हम आपको इसका जो है कंप्रेसर का पंप जो है वो बताएंगे कि वो कितना PSI होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्रेसर है, ये इसके बोल्ट लगे हुए। अभी आपको जो हम कंप्रेसर चेक कराएंगे कि नॉर्मल कंप्रेसर का पंप कितना होता है और एबनॉर्मल कंप्रेसर का पंप कितना होता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इन्वॉल्व लगा दिया, अभी जो है हम इसको आपको चेक करके बताते हैं। आपने ये मीटर लेना है, आपने ये मीटर आपने इस पे लगा दिया। अभी ये इसको खोल दें, इसको अभी आपने खोल के चेक करना है, पंप चल भी रहा है यहाँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया कम फ्रिज को, फ्रिज ऑन हो गया। एक सेकंड, ये देखें, ये हमारा फैन चल गया, फ्रिज ऑन हो गया और ये यहाँ से कंप्रेसर पंप पंपिंग कर दिया है। ठीक है, अभी देखें, अभी जब मैं इसको लॉक करूँगा तो ये आपको, ये हमने इसको लॉक किया और ये 50 PSI से भी ऊपर नहीं गया, मतलब 70-75 तक गया और ये कंप्रेसर इसका बंद हो गया। और इन्वर्टर कार्ड जो है इसका मेन, इस पर भी मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये एरर आ रहा है, उसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर बंद हो गया। देखिए, 1, 2, 3, 4 टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है, 4 टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इसको आपका दूसरा कंप्रेसर लगाऊंगा, उसका पंप मैं आपको शो कराता हूँ। ठीक है, इन्वर्टर कंप्रेसर जो भी हैं उनके तकरीबन पंप जो हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, 250-300 से 300 के दरमियान, 350 तो बहुत अच्छा है। अगर 250 से 300 जा रहा तो हमारा पंप जो है वो बिल्कुल ओके है। मैंने रेफ्रिजरेटर को दोबारा से जो है ऑन किया, दूसरा कंप्रेसर लगा दिया, वो कंप्रेसर उसके अंदर ही लगा हुआ, दूसरा कंप्रेसर हमने इसमें बाहर रखा। और भी आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, अब वो तार नहीं लगाई, वो अभी हमने उसकी उसको कनेक्ट नहीं किया था, अभी हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए, पहले हमने कनेक्शन दिए थे, हमने इसको ऑन कर दिया है, ये हमारा पंप अभी आपको ये शो करेगा। अभी देखें, फैन चल गया। ठीक है, अब देखें, ये हमारा पंप चल गया, ये देखें। ठीक है, हमने इसको लॉक किया और हमारा जो पंप है वो 250 तक गया, तो इसका मतलब है ये हमारा पंप जो है बिल्कुल ओके है। ठीक है,